डियर स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं, सर ना तो अभी फॉर्म भरा गया है, तो हमारी स्कीम क्या चेंज होगी वो भी आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। और जिनका बैक आया था उनका बैक पेपर कब होगा वो भी बताएंगे, पूरा वीडियो जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मॉडल पेपर दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिस जारी किया है बीटीयूपी ने, इसमें लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ओपनली देख सकते हो, विषय सेमेस्टर परीक्षा आपकी हो गई और स्पेशल बैक पेपर परीक्षा और जो आपकी परीक्षा है दिसंबर जो कार्यक्रम है उसके संबंध में नोटिस जारी किया गया था, आप सभी को पता है सारी चीज, ठीक है। मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे। यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो स्पेशल बैक का यानी कि जो परीक्षा फल का जो आप लोगों का एग्जाम डेट है, डेट शीट है, वो आ चुकी है, वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। अगर वेबसाइट में कोई गलती है भली बात ही परीक्षण कर लें, अगर कोई मतलब टूटी है तो क्लासिंग या विषय की छूट हो रही हो आप लोगों का, तो सूचना 31/12/2022 तक कार्य अनुभाग में यहाँ पर ईमेल आईडी के माध्यम से भेजना होगा। इसका मतलब यह है अगर मान लो वेबसाइट पे या फिर आपका स्कीम जो आई है उसमें कोई गलती है, किसी का पेपर आगे पीछे है या फिर कहें तो किसी का पेपर एक ही टाइम पर दो पेपर पढ़ना है, तो ये स्कीम चेंज हो सकती है, कंफर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये बीटीयूपी आपको भी पता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है, स्कीम चेंज हो सकती है, आपको पता ही है, बीटीयूपी कुछ भी कर सकता है। देखिए आपकी स्कीम आ चुकी है, अगर आपने अपनी स्कीम नहीं देखी है जाके देख ले, वेबसाइट पे अपलोड कर देगी, 7 जनवरी से एग्जाम कराने की बात कही जा रही है और स्पेशल बैक पेपर वालों का स्कीम जारी नहीं किया है, वेबसाइट पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, तो टाइम लग रहा है, जैसे आगे मैं बता दूंगा, है ना। अब बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, स्कीम चेंज हो सकती है, कन्फर्म नहीं है। आप लोगों को पता है बीटीयूपी जो कहता है वो कभी करता नहीं है। देखिए यहाँ पर एक सर ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है, आप लोगों की क्लासेस 7 यहाँ पर चल रही है, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स टाइम टेबल में कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो आप फर्स्ट ईयर वाले हैं वो परेशान हो रहे हैं। अब सिलेबस का रोना मत कीजिए, आप लोग पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, देखिए जो फर्स्ट ईयर के हैं यहाँ पर देखिए टाइम टेबल देखकर परेशान ना होइए, ये प्रपोजल टाइम टेबल है, अब फाइनल टाइम टेबल नहीं है, फाइनल दोबारा से आएगा स्कीम चेंज होकर, आप लोग तैयारी करते रहो, लेकिन जब फाइनल आएगा टाइम टेबल तो डेट वही रहेगी जो हम बताए थे, है ना, एग्जाम प्रेशर को दिया गया है, ये टाइम टेबल है, बस आप लोग तैयारी करते रहो, इसीलिए ये प्रेशर दिया गया है, एग्जाम आपके 7 जनवरी से होंगे ऐसा प्रेशर दे दिया बीटीयूपी ने, हो सकता है आपका एग्जाम आगे बढ़े। देखिए यहाँ पर बता दें आपको, बीटेक के एग्जाम भी 6 जनवरी से हैं और बीटीयूपी के 7 से कैसे हो सकते हैं, ऐसा कभी हुआ है कि बीटेक और पॉलिटेक्निक के एग्जाम 7 में हो, फिर भी अपनी स्टडी को आप तेज करेंगे और वो बताने वाले हैं आपके लिए, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर जावेद मुस्तफा सर का नया ट्वीट आ गया है, जावेद सर बोल रहे हैं कि जो हमने बोला था उसी डेट पे एग्जाम होगा, ये सर मतलब 10 बजे लाइव आके बताएंगे कि क्या क्या पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के लिए जो समस्या आ रही है कि एग्जाम हमारा क्या आगे टलेगा कि नहीं टलेगा, आपका एग्जाम 7 जनवरी से होगा नहीं होगा इसमें संचय बना हुआ है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख ले, सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने जो पहले बोला था कि 26 से होगा, भाई साहब अब इसका क्या मतलब, जावेद सर पहले बोले थे, और मतलब जावेद सर ने, मैंने बात की जावेद मुस्तफा सर से, जावेद मुस्तफा सर का कहना यह है कि अभी वेबसाइट पर क्लासिंग चल रही है ना, मतलब हो सकता है स्कीम अपलोड कर दी हो, इसको फिर दोबारा अपडेट करें, हो सकता है कंफर्म या कुछ भी नहीं, आपका एग्जाम डेट चेंज हो सकता है, जैसा कि मैंने नोटिस में दिखाया था, यहाँ भी आप देख सकते हो एग्जाम डेट, ठीक है। और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा, काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है 15 दिन के अंदर बोर्ड प्रैक्टिकल भी करा ले, आपका जो एडमिट कार्ड भी जारी कर दे, कुछ भी हो सकता है, ये बीटीयूपी है, एग्जाम से 15 दिन बचे हुए हैं कुछ, ठीक है, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भी 1-2 दिन में भरने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर इससे एग्जाम होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, परेशान बिल्कुल ना हो, हम आपके साथ बने हुए हैं, ठीक है। आपको बताने जाएंगे, आपके ट्विटर पे आ जाना होगा, मैंने ट्वीट कर दिया, आपको रिट्वीट करना होगा। देखिए बीटीयूपी की 2 दिसंबर तक एडमिशन हुए हैं, तो भैया 7 जनवरी से एग्जाम कैसे हो सकता है, 90 दिन तक क्लास चलनी चाहिए, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो फर्स्ट ईयर के लिए टाइम दिया जाना चाहिए, मैंने सभी को टैग कर दिया, आप लोग जाके इसको रिट्वीट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा रिट्वीट करेंगे तभी हमारी बात सरकार के पास पहुंचेगी। आप बीटीयूपी की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है संभावित, ये कंफर्म नहीं है भाई, ये संभावित है, आपका एग्जाम है, ये संभावित एग्जाम है, ये कंफर्म नहीं है कि 7 जनवरी से हो ही जाएगा एग्जाम, लेकिन तैयारी आप लोग भरपूर करेंगे और हम आपके लिए क्लासेस लेकर आने वाले हैं, पीडीएफ मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम आपको देने वाले हैं, ठीक है।
ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में अपलोड करूंगा आपके लिए, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल सके। बात करेंगे सीधा अगली अपडेट के बारे में। देखिए आपका बैक लगा हुआ है 2/4 में, है ना, 2 सेमेस्टर में बैक लगा है आपका, तो आपका पेपर है वो 4 सेमेस्टर में होगा। अगर आपका जो बैक लगा हुआ है वो 4 सेमेस्टर में लगा है तो उसका पेपर है वो आपका 6 सेमेस्टर में होगा। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको, रूल्स के अनुसार उसी के अनुसार होगा, लेकिन अभी कोई नोटिस नहीं आया है बैक पेपर को लेकर, तो अभी आप उसी को मानेंगे। अब बात करें स्पेशल बैक वालों का पेपर है वो 7 जनवरी से होगा, और उसका शेड्यूल कब तक आएगा वो मैं बताऊंगा, अभी फिलहाल शेड्यूल नहीं आया है, लेकिन 7 जनवरी से आपका एग्जाम कराया जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम डेट चेंज होगी ना, दोबारा से होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम एग्जाम से पहले कराए जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपका डेट बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कंफर्म तो नहीं कह सकते क्योंकि बीटीपी पे कोई भरोसा नहीं है। अब स्पेशल बैक पेपर होगा, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से लगभग 2-3 दिन पहले आ जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। ये एग्जाम डेट चेंज हो सकती है, इसमें कितना कंफ्यूजन हम यहाँ पर कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। आप सभी को पता है बीटीपी बोर्ड है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। आई होप आपको सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए, फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कर देना, और वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।